हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के टूवर्ड्स जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ जीएसटी. नाउ चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब, जैसे एग्जांपल आपने सेमिस्टर 5 में इनकम टैक्स पढ़ा था, तो इनकम टैक्स में देखो वहाँ पे एक चार्जिंग सेक्शन रहेगा. सबसे पहले तो मुझे ये बोलो ना यार, बीकॉम लेवल पे चार्जिंग सेक्शन मीन्स वॉट? जैसे इनकम टैक्स का व्हाट ऑफ द चार्जिंग सेक्शन, एनी आइडिया कौन सा चार्जिंग सेक्शन था बीकॉम लेवल पे इनकम टैक्स में जो सेमिस्टर 5 पढ़ा था वहाँ पे? तो इनकम टैक्स में आपका चार्जिंग सेक्शन था दैट इज सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. जो सर चार्जिंग सेक्शन पहले वो तो बताओ मतलब क्या होता है. चार्जिंग सेक्शन यूजुअली गवर्नमेंट को पावर देता है पब्लिक के पास है टैक्सेस लेवी एंड कलेक्ट करने का. तो इनकम टैक्स के लॉ में नॉर्मली सेक्शन 4 वॉज अ चार्जिंग सेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. सिमिलरली जीएसटी के अंदर चार्जिंग सेक्शन क्या होगा? तो जीएसटी के अंदर चार्जिंग सेक्शन है अपना डायरेक्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1. तो आपको चार्जिंग सेक्शन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 दैट इज नथिंग बट चार्जिंग सेक्शन. ये पर्टिकुलर सेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो पब्लिक के पास से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं. और कितने एक्सटेंड तक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो सब, और किसके ऊपर करेंगे जीएसटी चार्ज, ये सब नॉर्मली अपना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में लिखा है. जैसे आपका सेक्शन 4 इनकम टैक्स में इट इज चार्ज ऑन इनकम, वैसे सेम में यहाँ पे किसके ऊपर चार्ज करने वाला है वो प्रोविजन हम लोग को समझना है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले. सो चार्जिंग सेक्शन में समझ है मतलब जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होगा, कभी कभी चार्ज होगा और कितने रेट से चार्ज होगा, ये नॉर्मली हम लोग को समझना है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी. सो जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाई. इन्होंने वर्ड यूज किया हम लोग का सप्लाई, क्योंकि देखो बेटा पहले सेल था, फिर उसके बाद में सर्विसेज था, सेल ऑफ गुड्स था, फिर सर्विसेज के लिए नॉर्मली सर्विसेज प्रोवाइडेड था. बट अभी तो ये दोनों इंडस्ट्री मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने एक कॉमन वर्ड यूज किया दैट इज नथिंग बट सप्लाई. क्योंकि यहाँ पे गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों भी मर्ज हो चुके हैं, तो उन्होंने एक कॉमन वर्ड यूज किया दैट इज सप्लाई. अगेन सप्लाई होता क्या है ये डिटेल में ऑल टुगेदर हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 7. अभी नॉर्मली सिर्फ ऐसे याद रखो कि जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होता है, हम लोग का सप्लाई. अच्छा, सप्लाई ऑफ वॉट? गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. नाउ एक बात बताना, गुड्स मीन्स वॉट? आपने अगर SY BCOM में अच्छे से लॉ पढ़ा होगा तो वहां पे एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, वहां पे गुड्स का डेफिनेशन था. याद करो गुड्स का डेफिनेशन क्या था. गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम्स, ऐसे कुछ ब्ला 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 डेफिनेशन पढ़ा होगा. तो वही सेम डेफिनेशन उन्होंने जीएसटी के अंदर भी कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है. देखो यहाँ पे गुड्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ CGST एक्ट. गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इसका मतलब इमोबल प्रॉपर्टी गुड्स है या नहीं है. जैसे अगर मान लो फॉर सपोज जो अपने डेवलपर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, ये डेवलपर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद फ्लैट बेच रहे हैं, तो ये गुड्स है या नहीं है? तो आंसर इज नहीं है. क्यों? क्योंकि इन्होंने गुड्स के डेफिनेशन में क्या लिखा, गुड्स इन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. और जो बिल्डर फ्लैट बना के बेचेगा तो वो फ्लैट जो होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमोबल प्रॉपर्टी होगा? इमोबल प्रॉपर्टी. तो इमोबल प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मली गुड्स तो नहीं है, क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन गुड्स तो नहीं है. क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी चीज होगा, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में उन्होंने सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यूज किया. फिर यहां पर लिखा है अदर देन, जो सेम डेफिनेशन आपने सेल्स ऑफ गुड्स का था वैसे सेम यहां पर भी है, अदर देन मनी. सबसे पहले उन्होंने बोला मनी इज नॉट गुड्स. ऐसा क्यों? मनी गुड्स क्यों नहीं है? ऐसा मतलब मनी के ऊपर भी जीएसटी लगा सकते हैं. मान लो एग्जांपल सपोज मैंने आप लोगों को 100 रुपीज की नोट दी और आपके पास है 10 रुपीज के 10 नोट्स चेंज मिली है. मुझे बोला टैक्स अगर गवर्नमेंट को चार्ज करना भी है तो गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा. मतलब अगर 100 रुपए की चीज मैंने अगर आपको 105 में बेची, जो 5 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे. बट मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको 100 रुपीज का नोट दिया, 10 रुपीज के चेंज लिए, तो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है क्या? नहीं हुआ. तो बट ऑब्वियस यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाएगी? तो मनी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट अ गुड्स. तो इसके वजह से मनी को डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है. तो मनी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज. अभी तुम लोग बोलोगे सर बैंक में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब मनी के सामने एक्सचेंज सर्विस जो लेते हो, आप डॉलर दोगे इंडियन रुपीज लोगे या फिर इंडियन रुपीज दोगे डॉलर लोगे, तो उसके ऊपर बेटा जो कमीशन चार्ज करते ना, कमीशन वो वैल्यू एडिशन है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है. बट जो नॉर्मल तुम लोग करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हो दैट इज एक्सक्लूडेड, बिकॉज मनी को यहाँ पे गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा है. फिर सेकेंड दैट इज उन्होंने डेफिनेशन से बाहर रखा है दैट इज सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मतलब क्या होगा सर? शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, जो भी आपके लिस्टेड होते हैं.
ना मुझे बोलना सिक्योरिटीज गुड्स के डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा है, क्योंकि सिक्योरिटीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल है मतलब मूवेबल है, तो मूवेबल है मतलब लॉजिकली वो गुड्स के डेफिनेशन में आना चाहिए, बट उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, बिकॉज सिक्योरिटी जब भी आप स्टॉक मार्केट से ट्रांसफर करते हो तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट एसटीटी। शायद से अगर सेमिस्टर 5 बीकॉम में पढ़ा होगा सर, एसटीटी मतलब क्या, एसटीटी दैट इज नथिंग बट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या बोला मैंने फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांसफर के ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये कौन चार्ज करता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑलरेडी उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज किया है, फिर से अगर जीएसटी चार्ज कर देंगे तो दैट विल बी लीड टू डबल टैक्सेशन। इसके वजह से उन्होंने गुड्स के डेफिनेशन में सिक्योरिटीज को बाहर रखा है। तो दो चीज बाहर रखे, अगेन आई रिपीट, दैट इज मनी एंड सिक्योरिटीज। अगर आपने ओल्ड डेफिनेशन ऑफ गुड्स का पढ़ा होगा तो वहां पे और एक चीज थी, दैट इज नथिंग बट एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब अगर ओल्ड गुड्स का डेफिनेशन था तो क्या था, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, सिक्योरिटीज एंड एक्शनेबल क्लेम्स। बट यहां पे अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब ओल्ड लॉ के हिसाब से एक्शनेबल क्लेम्स एक्सक्लूड है, बट जीएसटी के अंदर एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड है। सर सबसे पहले तो ये बताओ हमें, एक्शनेबल क्लेम्स होता क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स व्हाट। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जैसे एग्जाम्पल मान लो, फॉर सपोज पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया है किसको, मान लो फॉर सपोज नीरव मोदी को लोन दिया है, नीरव मोदी को। सर कौन सा लोन दिया है, मान लो फॉर सपोज बिजनेस के लिए लोन दिया है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। बिजनेस डे टू डे स्टॉक परचेस बाय सेल के लिए जो लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल लोन। मान लो ये 60 लाख रुपीज का लोन दिया है ना, मुझे बताना ये जो वर्किंग कैपिटल का लोन दिया है इसके सामने बैंक को सिक्योरिटी क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक को सिक्योरिटी क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी होगा, दैट इज नथिंग बट स्टॉक। तो मान लो नीरव मोदी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 90 लाख, इसका मतलब ये होता है कि बट ऑब्वियसली कल उठ के अगर नीरव मोदी ये वर्किंग कैपिटल लोन रीपे नहीं करता तो बैंक के पास चॉइस है कि ये स्टॉक ऑक्शन किया जाएगा और लोन का अमाउंट रिकवरी किया जाएगा। नाउ नीरव मोदी, अगर मैं ओल्ड लॉ की बात करूं, फॉरगेट अबाउट जीएसटी, ओल्ड लॉ की बात करूं, नीरव मोदी वॉज एंगेज इन सेल ऑफ गुड्स, मतलब स्टॉक को बाय सेल करता था। तो मुझे बोला स्टॉक को बाय सेल करता था मतलब वो ओल्ड लॉ में कौन से टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, दैट इज नथिंग बट वैट, सेल ऑफ गुड्स। और अगर अनदर स्टेट में भी सप्लाई करता होगा तो सीएसटी। और बैंक, बैंक एज एन बट ऑब्वियस बैंक लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर देते, तो बैंक कौन से लॉ में रजिस्टर्ड रहेगी, सर्विस टैक्स। ओल्ड लॉ की बात कर रहा हूं मैं, तो बैंक कौन से लॉ में रजिस्टर्ड रहेगी, सर्विस टैक्स। नाउ नीरव मोदी सेल ऑफ गुड्स वैट एंड सीएसटी इसमें रजिस्टर्ड होगा, और बैंक एज एन सर्विस इंडस्ट्री कौन से लॉ में रजिस्टर्ड होगी, सर्विस टैक्स। नाउ जैसे मैंने कहा कि कल उठ के अगर ये लोन रिपे नहीं किया तो बैंक क्या करेगी, वो पर्टिकुलर लोन रिकवरी करने के लिए स्टॉक बेचा जाएगा और लोन रिकवरी किया जाएगा। मान लो नीरव मोदी ने ये लोन रिपे नहीं किया, फेल टू रिपे, तो वो केसेस में अभी बैंक क्या करेगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक का ऑक्शन करेंगे, स्टॉक ऑक्शन। नाउ जरा मुझे बोला, बैंक ये जो स्टॉक ऑक्शन कर रहा है, बैंक कहां पे सर, मान लो बैंक है महाराष्ट्र में और ये जो स्टॉक सेल हुआ है ये भी किसी महाराष्ट्र के किसी पार्टी को सेल हुआ है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, बैंक ने ये गुड सेल किया है, स्टॉक ऑक्शन किया है, मुझे एक बात बताओ, बैंक का काम है क्या गुड सेल करना, द आंसर इज नो, बैंक इज इन सर्विस इंडस्ट्री। तो बैंक का काम क्या है, लोन लेना देना, मतलब इज इन सर्विस इंडस्ट्री। बट नीरव मोदी का काम तो है गुड्स का बाय सेल करना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी पंजाब नेशनल बैंक ने जब भी यहाँ पे स्टॉक का ऑक्शन किया, गुड सेल किया, तो हम लोग ने वैट में पढ़ा था अगर सेल ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट करते हो, मतलब विद इन द स्टेट करते हो, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स चार्ज होगा, वैट। तो जरा मुझे बोलना, बैंक का काम तो नहीं है लेकिन ये बैंक अपना लोन रिकवरी करने के लिए बेच रहा है, तो क्या बैंक वैट में रजिस्टर्ड है क्या, द आंसर इज नो, बिकॉज बैंक इज इन सर्विस इंडस्ट्री, बैंक कौन से टैक्स में रजिस्टर्ड है, सर्विस टैक्स में। तो बैंक अपना लोन रिकवरी करने के लिए ये स्टॉक बेच रहा है, तो ये पर्टिकुलर एक्शन को कहा जाएगा एक्शनेबल क्लेम्स। तो अगर मान लो ये पर्टिकुलर गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होता, ओल्ड लॉ के अंदर इंक्लूड होता, तो इंक्लूड होता तो सोचो ना, बैंक को सर्विस टैक्स के अलावा वैट में भी रजिस्टर करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स सेल करना है तो गुड्स सेल करना है विद इन द स्टेट सेल होगा तो उसके ऊपर वैट चार्ज होगा। तो वैट चार्ज करने के लिए पहले बैंक के पास क्या होना चाहिए, वैट नंबर होना चाहिए। तो बैंक को एज ए सर्विस इंडस्ट्री दो दो लॉ में रजिस्टर होना पड़ेगा, सर्विस टैक्स एज वेल एज वैट, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी,
इसके वजह से ओल्ड लॉ में उन्होंने एक्शनेबल क्लेम्स को एक्सक्लूड किया था। बट अभी मुझे बोलो ना, क्योंकि ओल्ड लॉ के अंदर सर्विस इंडस्ट्री वॉज डिफरेंट एंड गुड्स इंडस्ट्री वॉज डिफरेंट, बट नाउ अंडर जीएसटी के अंदर बट ऑब्वियसली अपना गुड्स और सर्विस इंडस्ट्री दोनों भी मर्ज हो चुका है, तो इसके वजह से उन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम किया। इसका मतलब आज के तारीख में अगर ऐसे कोई एक्शन लिए जाते हैं, अगर ऐसा कोई ऑक्शन किया जाता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स लिखा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो आगे फर्दर पढ़ते हैं। सो गुड्स मीन्स अगेन आई रिपीट एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। फिर नीचे लिखा भाई तुम लोग का डेफिनेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, मतलब अगर जमीन से जुड़ी हुई अगर कोई चीजें तुम लोग बेच रहे हो, जैसे ग्रास कटिंग करके नॉर्मली तुम लोग बेच रहे हो, या तो फिर नॉर्मली ट्री जो वुड है नॉर्मली वो तुम लोग बेच रहे हो, तो उसको तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये इमोबल है, मतलब ये गुड्स नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड एनीथिंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ लैंड, अगर वो तुम लोग बेचते हो तो उसको गुड्स माना जा सकता है और उसके ऊपर तुम लोग का जीएसटी आ सकता है। सो अगेन गुड्स मतलब नॉर्मली ये था। अगर आप सर्विस का डेफिनेशन देखोगे, सर्विस का डेफिनेशन, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ था, एनीथिंग अदर देन गुड्स दैट इज कॉल्ड अ सर्विस। मतलब ये डेफिनेशन कौन सा होगा, टेक्निकल टर्म में लॉ के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नेगेटिव डेफिनेशन, मतलब जो गुड्स नहीं है वो क्या हो जाएगा, सर्विस। अच्छा सर गुड्स मतलब क्या, जो सर्विस नहीं है उसको गुड्स बोलेंगे? अरे नहीं यार, गुड्स तो हम लोग ने पढ़ा ना इतना डिटेल में, गवर्नमेंट ने गुड्स को डिफाइन किया है, तो गुड्स इतना डिटेल में डिफाइन किया जिसके वजह से गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जो भाई गुड्स नहीं होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा, तुम लोग का सर्विस माना जाएगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगेन रिपीट गुड्स, गुड्स में नॉर्मली मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ा, अभी यहाँ पे लिखा है अदर देन, और मैंने यहाँ पे कुछ 5 नंबर लिखे है, मतलब मुझे बोलो ना ये जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो गुड्स है या नहीं है, द आंसर इज नहीं है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा है, अदर देन, मतलब ये नीचे जो 5 आइटम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको गुड्स नहीं माना गया। और तुम लोग सोचो ना, गुड्स नहीं माना गया मतलब उसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, द आंसर इज नहीं आएगा, क्योंकि अदर देन लिखा है यहाँ पे सेक्शन में तुम लोग। तो कौन से ऐसे आइटम्स है अदर देन में, फर्स्ट तो वही है जैसे हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था, गुड्स अदर देन, एक तो फर्स्ट मनी, क्योंकि मैंने बोला था मनी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड दैट इज सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के पीछे लॉजिक मैंने आपको ये बताया था कि सिक्योरिटीज जब भी आप ट्रेड करते हो स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एसटीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ऑलरेडी एक टैक्स पे हो चुका है, फिर से अगर गुड्स में उसको इंक्लूड करते तो वो डबल टैक्सेशन होता। थर्ड वाला दैट इज नथिंग बट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद करो जब हम लोग ने थोड़ा बहुत एक्साइज पढ़ा था, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओल्ड लॉ के हिसाब से अल्कोहलिक लीकर के ऊपर किसका राइट था, सेंट्रल का राइट था या स्टेट का राइट था, स्टेट का राइट था। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चाहते थे स्टेट के ऊपर प्रेशर डाल के भाई लीकर को भी जीएसटी के अंदर लेके आओ, सो दैट हम लोग भी लीकर के ऊपर थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं। बट अगेन स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीटली वो पर्टिकुलर प्रपोजल डिनाई किया था, रिफ्यूज किया था। तो आज के तारीख में भी लीकर अभी भी जीएसटी से बाहर है। अरे जीएसटी का नॉर्मली मतलब लीकर जो है दैट इज अ स्टेट मैटर, दैट इज द रीजन कुछ कुछ स्टेट में लीकर बैन है, कुछ कुछ स्टेट में लीकर चलता है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था बिहार और गुजरात, वहां पे लीकर तुम लोग का बैन है, बट महाराष्ट्र में लीकर बैन है क्या, द आंसर इज नहीं, और कभी आगे होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला था लीकर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जबरदस्त रेवेन्यू है। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यहां से बाहर रखा, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ओल्ड लॉ के हिसाब से आज के तारीख में भी वैट एंड एक्साइज आ रहा है, इसके वजह से वो जीएसटी के अंदर नहीं है तुम लोग का। फिर फोर्थ वाला दैट इज नथिंग बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लॉजिक ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप बोलो ना सब हर एक स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, दिल्ली में, हर एक जगह पे पेट्रोल के प्राइसेस सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। अगर जीएसटी लगता मतलब वन नेशन वन टैक्स, तो सारे स्टेट में पेट्रोल के प्राइस सेम ही होने चाहिए। बट यहाँ पे अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल इज अ सेंसिटिव मैटर, आप सोचो ना अगर फोर्सफुली उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने मान लो अगर स्ट्राइक किया और ये स्ट्राइक 2 दिन भी कंटिन्यू हुआ, जस्ट इमेजिन विदाउट पेट्रोल इंडिया का हाल कैसे होगा। तो इसके वजह से इट्स अ सेंसिटिव मैटर, इसको गुड्स के डेफिनेशन में कवर तो किया है बट फॉर द टाइम बीइंग बाहर रखा है, मतलब फ्यूचर में
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी आ सकता है, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग बाहर है। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके वजह से हर एक स्टेट में इसका अलग अलग है। बॉम्बे में इसका स्टेट अलग होगा, मतलब महाराष्ट्र में इसका रेट अलग होगा, दिल्ली में इसका रेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक नॉर्मली पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर है। आपने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो कांग्रेस गवर्नमेंट आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग प्रेशर ऑन बीजेपी गवर्नमेंट कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लेके आओ, सो दैट ऑल स्टेट में पेट्रोल के प्राइस सेम होंगे। बट अभी भी इन्होंने प्रपोजल थोड़ा बहुत सोच रहे उसके बारे में, फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है बट अभी तो नहीं है। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सुन लो का अदर देन में। एंड लास्ट वाला दैट इज द नंबर इलेक्ट्रिसिटी। ना मुझे बोलो ना इलेक्ट्रिसिटी, अगर घर पे जो बिजली आती है बिजली का अगर बिल देखा रहेगा तो बिजली के बिल के पीछे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे आपको दिखा रहता है कि वहां पे स्टेट टैक्स चार्ज होता है। सो अगेन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्टेट टैक्स चार्ज होता है। फ्यूचर में अगेन इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नेसेसिटी, फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी ला सकते हैं बट अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो दो प्रोडक्ट्स है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये फॉर द टाइम बीइंग जीएसटी से बाहर है। फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है बट ये जो तीन प्रोडक्ट्स है, मनी, सिक्योरिटी, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये गुड्स के डेफिनेशन से ही बाहर रखे है और लीकर के ऊपर तो अभी भी स्टेट का राइट है। तो फ्यूचर में भी ये तीन गुड्स के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आ सकता। सो मतलब मैं बोल सकता हूं ये तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कभी नहीं, ये दो प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अभी नहीं। ये समझता मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी फ्यूचर में कभी नहीं आएगा और ये दो प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली क्या लिखा है फिर से बोलता हूं मैं थोड़ा बहुत एक बार बोलता हूं। जीएसटी इज व्हाट चार्ज ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का डेफिनेशन उन्होंने लिखा। बट गुड्स में पांच आइटम्स उन्होंने एक्सक्लूड किए, कौन से पांच आइटम्स? मनी, सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद में लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिर उसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और सर्विस का डेफिनेशन मतलब मैंने क्या बोला था, एनीथिंग अदर देन गुड्स दैट इज कॉल्ड अ सर्विसेस। फिर यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो आपकी कंपनी है, आपके कंपनी का एज एन सी ए मैंने आपके कंपनी का ऑडिट किया, तो आपके कंपनी का ऑडिट किया, मान लो मेरा ऑडिट फीस है सपोज 80,000, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो आपने इन कंसिडरेशन में आपने मुझे नैनो कार दी, तो मुझे मानो आपने जो मुझे नैनो कार दी ये कंसिडरेशन कैश में हुआ या काइंड में हुआ? काइंड में हुआ। अभी मुझे जो नैनो कार मिली है कंसिडरेशन का, मैं गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकता हूँ मुझे कंसिडरेशन कार में मिला तो मैं आपको जीएसटी पे नहीं करूंगा? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? कंसिडरेशन कुछ भी हो, कंसिडरेशन मिला ना, कैश में हो या काइंड में हो, पैसा मिला जरूरी नहीं है तुम लोग को, काइंड में भी मिला तो भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अभी क्या करूं, नैनो कार के दो टायर निकाल के गवर्नमेंट को जीएसटी के फॉर्म पे करेंगे क्या? द आंसर इज नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो उसका कार का वैल्यूएशन किया जाएगा, तो वैल्यूएशन के लिए उसके अलग प्रोसेस है, कुछ रूल्स है, कुछ सेक्शन है, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खाली रेफरेंस है कि कंसिडरेशन अगर काइंड में है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, और वो वैल्यूएशन जो होगा वो एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे खाली हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं सेक्शन 15, डिटेल में हम लोग ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन करके एक वैल्यू ऑफ सप्लाई सेपरेट चैप्टर है, वहां पे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो अभी खाली यहाँ पे सेक्शन 15 का रेफरेंस आया। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला प्रोविजन जो है चार्ज ऑफ जीएसटी का, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी। आपको एनी आइडिया आज की तारीख में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कितना चल रहा है, या तो फिर कौन से शेड्यूल्स ऑफ जीएसटी है? अगर मैं गुड्स की बात करूं तो वहां पे हम लोग के टोटल 6 शेड्यूल्स है। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 शेड्यूल्स है अपने गुड्स के। तो अगर मैं रेट देखूं तो शेड्यूल 1 में जो गुड्स है उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है 5%, 2 में है 12%, 3 में है 18%, 4 में है 28% और 5th में है तुम लोग का 3% एंड कुछ कुछ इसमें नॉर्मली 0.5% ऐसे कुछ टैक्स है। मतलब गुड्स में अपने टोटल 6 शेड्यूल्स है, वो 6 शेड्यूल्स में नॉर्मली ये अपने रेट्स ऑफ टैक्स है। ना मुझे बोलो ना ये रेट्स ऑफ टैक्स में, जैसे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो इसको स्प्लिट करना, मतलब 2.5% सीजीएसटी होगा, 2.5% एसजीएसटी होगा। और अगर मैं सर्विस में देखूं, ये मैं गुड्स की बात कर रहा था, और अगर मैं सर्विस में देखूं तो सर्विस में सिर्फ और सिर्फ ये चार रेट्स है, मतलब 5%, 12%, 18% एंड 28%। मतलब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी? 28%। तो 28% इज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज द हाईएस्ट चार्जिंग ऑफ जीएसटी।
मतलब और किसी भी कंट्री में 28% तक जीएसटी नहीं है. एक अनदर कंट्री, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वहां पे अनदर रेट ऑफ जीएसटी जो है दैट इज 27% है. बट इंडिया में हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 28%. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है सेक्शन 9(1) में कि मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी फ्यूचर में हम लोग नॉर्मली इंक्रीज करके इसको कितना परसेंट लेके जा सकते हैं, 20%. अभी तुम लोग बोलोगे सर 20% मतलब कम करेंगे, 28 को 20 लेके आएंगे. द आंसर इज नो. बेटा मैंने यहाँ पे क्या बोला, 28% जीएसटी, इसका अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो 14% सीजीएसटी होगा और 14% एसजीएसटी अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो. तो 14% आज के तारीख में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी है, और फ्यूचर में भी अगर गवर्नमेंट को ये फर्दर इंक्रीज करना है तो फर्दर इंक्रीज कितने परसेंट तक कर सकती है, 20. मतलब एग्रीगेट रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट होगा, 20 सीजीएसटी तो 20 एसजीएसटी भी तो होगा, तो मतलब एग्रीगेट रेट ऑफ जीएसटी 40% होगा. तो कल उठ के अगर ये 28% को गवर्नमेंट ने चेंज करके 32 किया या 34 किया, सो डोंट बी गेट सरप्राइज, बिकॉज गवर्नमेंट को 9(1) के अंदर पावर मिलता है कि वो फर्दर इंक्रीज कर सकते टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. सो दैट इज अ बिटर फैक्ट. ऑलरेडी हम लोग हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी चार्ज करते हैं, और भी ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं, बट दैट कैन बी इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. सो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया तो ध्यान से पढ़ना, एमसीक्यू पूछा गया है, अगर हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी पूछा रहेगा तो 20% आएगा, अगर हाईएस्ट रेट ऑफ आईजीएसटी पूछा रहेगा आईजीएसटी तो 40% आएगा, और अगर हाईएस्ट रेट ऑफ एसजीएसटी पूछा रहेगा तो वो भी कितना परसेंट आएगा बेटा, 20% आएगा. सो दैट इज ऑल टुगेदर अबाउट सेक्शन 9(1). प्लीज कॉपी कर लो ये सेक्शन 9(1) के प्रोविजंस अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. After analyze session 9 subsection 1, session 9 subsection 1 में normally सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि GST is charged on goods, but goods में एक item exclude किया था, मतलब ऐसे तो पार्श है, but एक item, one of the 5 items normally वो एक item था, that is alcoholic liquor for human consumption, उसके अलावा petroleum products. अभी मेरा question ये petroleum products में कौन से इसके ऊपर GST नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ chemicals ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ा सा हल्का सा पेट्रोलियम कंटेंट भी होता है, तो क्या वो केमिकल्स भी गुड्स के डेफिनेशन से बाहर आएंगे, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा? द आंसर इज नो. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब एग्जैक्टली क्या क्या होगा वो आपको बताया सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में. तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 दैट इज जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन से आइटम्स जीएसटी से बाहर है वो नॉर्मल देखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट लिखा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या कहेगा, पेट्रोलियम क्रूड मतलब कच्चा तेल जैसे होता है वो. सेकेंड मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट जो यूजुअली टेक्निकल नाम है मोटर स्पिरिट, बट इसको बोलते तो है हम लोग पेट्रोल ओनली, मोटर स्पिरिट विच इज कॉमनली नोन एज पेट्रोल ओनली. थर्ड दैट इज स्पीड डीजल, ये पेट्रोल है फिर नॉमी डीजल है स्पीड डीजल. फिर फोर्थ दैट इज नथिंग बट जो अपना व्हाइट फ्यूल होता है जो हम लोग यूजुअली किस में यूज करते हैं, फ्लाइट में यूज करते हैं, दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है ATF. ATF दैट इज नथिंग बट एविएशन टर्बाइन फ्यूल. एंड लास्ट दैट इज नथिंग बट नेचुरल गैस, जो बायोगैस या ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं वो. तो ये 5 आइटम्स उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नोटिफाई किए जो जीएसटी से बाहर है. तो अगेन आई रिपीट, 5 आइटम्स कौन से बोले मैंने, एक तो फर्स्ट बोला दैट इज कच्चा तेल दैट इज क्रूड पेट्रोलियम क्रूड. सेकेंड दैट इज नथिंग बट मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल ओनली. थर्ड वाला दैट इज स्पीड डीजल. फोर्थ एविएशन टर्बाइन फ्यूल दैट इज व्हाइट फ्यूल. एंड फिफ्थ दैट इज नथिंग बट नेचुरल गैस. मैंने बोला था इफ यू रिमेंबर, ये पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्पररी जीएसटी से बाहर है या परमानेंट जीएसटी से बाहर है. टेम्पररी मतलब फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है. मुझे बोला ना जीएसटी आ सकता है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये रेकमेंड कौन करेगा, इसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी है? तो उसके लिए नॉर्मली ये सारे डिसीजंस जीएसटी में लेगा कौन? इफ यू रिमेंबर नॉर्मली हम लोग ने बोला था आपको के
इसके रिलेटेड मतलब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करने के डिक्रीज करने के ऊपर किसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए किसके ऊपर नहीं आना चाहिए ये सारे डिसीजंस की डिसीजंस लेता कौन है जीएसटी काउंसिल। तो फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा और उसके बेसिस के ऊपर जीएसटी ला सकता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को प्रपोज कर दिया है कि मतलब इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए। तो फ्यूचर में माइट बी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हो सकता है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर जीएसटी आए, बट अब तक ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए और आपके एग्जाम के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये पांचों आइटम याद रखने के, ये पांचों आइटम्स जीएसटी के परव्यू से मतलब स्कोप से बाहर है और इसके ऊपर फ्यूचर में जीएसटी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय जीएसटी काउंसिल। प्लीज कॉपी दिस प्रोविजन। आफ्टर एनालाइजिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, नेक्स्ट सेक्शन अपना सीरीज में आ रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। अगर हेडिंग लिखोगे तो यहाँ पे लिखा मैंने आरसीएम ऑन गुड्स एंड सर्विस। और सर आरसीएम मतलब क्या? अगर आपने मेरा सर्विस टैक्स का वीडियो देखा रहेगा तो सर्विस टैक्स में मैंने आपको ये बताया था नॉर्मल सर्विस टैक्स पे कौन करता है? सर्विस प्रोवाइडर। बट एक्सेप्शनल केसेस में सर्विस टैक्स पे कौन करेगा? सर्विस रिसीवर। जैसे बेसिक एग्जांपल फॉरगेट अबाउट सर्विस टैक्स, अगर नहीं भी पढ़ा रहेगा तो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जीएसटी में समझो। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ये गुड सप्लाई कर रहा है मिस्टर वाई को, कितना रुपीज़ का गुड सप्लाई कर रहा है? 5 लाख। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से इसमें सप्लायर कौन है? मिस्टर एक्स जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, दैट इज सप्लायर। और मिस्टर वाई जिसको गुड्स सप्लाई किया जा रहा है वो कौन होगा अपने जीएसटी के लैंग्वेज में? रेसिपिएंट। तो मिस्टर एक्स सप्लायर है, मिस्टर वाई रेसिपिएंट है। नाउ इनवॉइस कौन रेस करेगा? सप्लायर ओनली। तो 5 लाख रुपीज़ का इनवॉइस रेस किया, मान लो उसके ऊपर 12% जीएसटी है, तो 12% जीएसटी के हिसाब से ये कितना आएगा अपना? 60,000। ना मुझे बोलो ना मिस्टर वाई पेमेंट करते वक्त कितना रुपीज़ का पेमेंट करेगा? पेमेंट होगा 5,60,000। ना 5,60,000 में 5 लाख रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड 60,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। तो इसने सप्लायर ने 60,000 का जीएसटी कलेक्ट किया और ये 60,000 किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से जीएसटी पे कौन कर रहा है? सप्लायर। तो हमेशा याद रखना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट को जीएसटी हमेशा पे कौन करता है? सप्लायर ही पे करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सप्लायर के यहाँ पे जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट ₹60,000। सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑलवेज जीएसटी पे करता अपना सप्लायर। ये प्रोविजन को ही बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, हम लोग शॉर्ट में इसको बोलेंगे FCM। FCM का फुल फॉर्म क्या? अपना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस प्रोविजन, सेकेंड एग्जाम्पल मान लो मिस्टर वाई ऑफ USA ये इंडिया में मिस्टर एक्स को कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ना सबसे पहले मुझे बोलना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अभी आपको लगेगा सर दिस इज नथिंग बट एक्सपोर्ट। अरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना अपने को, USA के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तो इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से सप्लायर कौन है? मिस्टर वाई जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है USA से वो सप्लायर है, और जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है दैट इज मिस्टर एक्स इंडिया में, वो कौन है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से? रेसिपिएंट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? द आंसर इज आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विसेज USA से इंडिया में आ रही है, तो सर्विसेज कंज्यूम कहां पे हो रही है? इंडिया। इंडिया विच इज अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है सर जीएसटी आएगा तो पे कौन करेगा? जैसे मैंने यहां पे बोला नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जीएसटी पे कौन करता है? सप्लायर। अगर मान लो ये एग्जांपल में भी सप्लायर पे करता है तो सेम फिगर्स में यहां पे ले रहा हूं। जैसे एग्जांपल इनवॉइस था ₹5 लाख, इसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से 60,000। मतलब आप सीन इमेजिन करो ना, पहले इंडिया से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पेमेंट करेगा 5,60,000 का, और फिर मिस्टर वाई फिर से इंडियन गवर्नमेंट को 60,000 का जीएसटी का पेमेंट करेगा। मतलब पहले इंडिया से पूरा 5,60,000 बाहर जाएगा,
फिर सब्सिक्वेंटली बाहर वाला जो यूएसए वाला बंदा है वो फिर से इंडिया में 60,000 का पेमेंट इंडिया वाले इंडियन गवर्नमेंट को देगा. मतलब सोचो ना, पहले इंडिया से 5,60,000 बाहर गया, फिर से 60,000 इंडिया में आ रहा है. ट्रांजेक्शन उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है? उससे अच्छा गवर्नमेंट इसको भी तो बोल सकती है, एक काम करना. और पता चला, मान लो ये 60,000 पेमेंट इसने नहीं किया तो गवर्नमेंट रिकवरी करने जाएगा. और बाद में पता चला रिकवरी करने का कॉस्ट आपके टैक्स अमाउंट से ज्यादा हो गया, तो वो सारे ट्रांजेक्शंस हर्डल्स अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला इसको, एक काम करना, पेमेंट करते वक्त 5,60,000 नहीं, सिर्फ 5,00,000 रुपीज का पेमेंट करना. तो मुझे बोलो ना, 5,00,000 रुपीज का पेमेंट क्या है? तो 60,000 का जीएसटी का पेमेंट किसके पास पड़ा हुआ है? मिस्टर एक्स के पास. तो मिस्टर एक्स मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. तो 60,000 जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट. जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को इजी क्या रहेगा, इंडिया वाले के पास से टैक्स कलेक्ट करना या यूएसए वाले के पास से? इंडिया वाले के पास से. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, एक काम कर, तू पेमेंट करते वक्त सिर्फ 5,00,000 का पेमेंट करना. अगर ये 5,00,000 का पेमेंट करे तो 60,000 का ये ट्रांजेक्शन आएगा ही नहीं, और 60,000 जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? मिस्टर एक्स. तो मेरे ये एग्जाम्पल के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन कर रहा है? सप्लायर पे कर रहा है या रेसिपिएंट पे कर रहा है? द आंसर इज रेसिपिएंट पे कर रहा है. टेक्निकल टर्म में उसको ही बोलते हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है सप्लायर, तो सप्लायर पे कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. बट देर आर सर्टन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक दिस, जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट. उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, वो हम लोग को समझना अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में. तो अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो आरसीएम, आरसीएम का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन गुड्स एंड सर्विसेस. तो गुड्स हार्डली कुछ 5 गुड्स है, सर्विसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग वो नेक्स्ट देखने वाले हैं. पहले इतना प्रोविजन आपको कॉपी करना. Now, after understanding the concept of RCM, let us try to understand which are the goods as well as services notified by government under the purview of RCM. So, सबसे पहले we'll analyze goods, then subsequently we'll analyze services. Now, goods में देखना, first लिखा उन लोग ने agricultural produce. मतलब these are the goods जो total 7 goods है, which are liable on RCM basis. और RCM basis मतलब government को GST pay कौन करेगा बेटा? Supplier या recipient? The answer is recipient because RCM provisions है. तो first that is agricultural produce. Now, आप सोचो ना, मान लो फॉर सपोज मैं फार्मर हूँ, मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा हूँ रॉ फॉर्म में. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस हो के नहीं, रॉ फॉर्म में. जैसे मान लो फॉर सपोज मैंने फार्मिंग कर रहा हूँ, वीट का फार्मिंग कर रहा हूँ, गेहूं का फार्मिंग कर रहा हूँ. तो रॉ फॉर्म में एज इट इज गेहूं में अगर सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो केसेस में एज एन फार्मर मैं सप्लायर हूँ और जो भी मेरे एजेंट्स रहेंगे वो रेसिपिएंट है. तो आप सोचो ना, अगर सप्लायर टैक्स पे करेगा मतलब फार्मर टैक्स पे करेगा, तो फार्मर को जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. इतना थोड़ी ना कॉम्प्लिकेशन यार फार्मर बेचारा कर सकता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा है रॉ फॉर्म में कौन? फार्मर, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. दैट इज फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. बट रॉ फॉर्म में होना चाहिए. मतलब मान लो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. जैसे एग्जांपल मान लो, फॉर सपोज मेरे एग्जांपल था वीट. अभी मान लो मैं वीट का आटा बना के, होता ना एमपी फ्रेश आटा, आटा बना के नॉर्मली मैं बेच रहा हूँ. तो वहां पे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए तो वहां पे आरसीएम प्रोविजन नहीं, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अगर रॉ फॉर्म में एज इट इज बेच रहे हो, जैसे मान लो टोमेटो की खेती की, टोमेटो एज इट इज बेचा, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज नहीं, सॉरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. बट अगर मान लो फॉर सपोज मैंने टोमेटो की प्यूरी या टोमेटो केचप बना के नॉर्मली बेचा, तो वो केसेस में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, तो वहां पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा. तो आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ फॉर्म में आपको बेचना है, रॉ फॉर्म में, तो ये आरसीएम के प्रोविजन आएंगे. सेकेंड दैट इज कैशू, मतलब काजू. नॉर्मली काजू की भी खेती होती है, तो उसमें काजू अगर मान लो फॉर सपोज एज इट इज रॉ फॉर्म में बेच रहा हो, तो नॉर्मली उसमें भी आरसीएम के प्रोविजन आएंगे. फिर नेक्स्ट दैट इज सिल्क यार्न, मतलब कपड़े पॉलिस्टर टेक्सटाइल में नॉर्मली जो यूज होता है, दैट इज यान. तो अगर सिल्क यान उसमें अभी नोटिफाई किया था गवर्नमेंट में, इसमें इंक्लूडिंग रॉ कॉटन भी आएगा.
मतलब जो रॉ कॉटन फर्दर प्रोसेस करने के बाद नहीं, रॉ जो विदाउट एनी प्रोसेस होगा रॉ कॉटन, वो भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आरसीएम के प्रोविजन आएंगे। फिर फोर्थ वाला आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स, दैट इज पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सिडीड प्रोडक्ट्स, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट पड़े रहेंगे, चैनी खैनी हो गया, पान मसाला ओनली विमल, अजय देवगन का ऐड देखा रहेगा तो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे आपके आरसीएम के। फिर नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला आइटम है, दैट इज तेंदू लीव्स। डू यू नो व्हाट यू मीन बाय तेंदू लीव्स? कभी सुना है तेंदू लीव्स के बारे में? आपको ऐसा लगता रहेगा कोई फूल रहेगा, सर तेंदू मतलब कोई तो फूल रहेगा, ये फूल नहीं है। तेंदू लीव्स मतलब दैट इज एनी, डू यू नो बीडी? बीडी बीडी प्रैक्टिकली पता या थियोरेटिकली पता, जो भी है मतलब बीड़ी का जो पत्ता होता है, दैट इज पर्टिकुलर पत्ता इज कॉल्ड एज तेंदू लीव्स। तो तेंदू लीव्स है तो है पार्ट ऑफ पान मसाला प्रोडक्ट्स ओनली, मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स, तो वो भी अगर आप सप्लाई करते हो तो उसमें भी कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे आरसीएम के। लॉजिक इज अ सिंपल, आप सोचो, मान लो फॉर सपोज अपने इंडिया में देयर इज वन कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी। सर आईटीसी मतलब क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट? नहीं रे, आईटीसी मतलब ये एग्जांपल के हिसाब से इंपीरियल टोबैको कंपनी। आईटीसी अगर आपने कंपनी का नाम सुना रहेगा, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो आईटीसी कंपनी ये सब पान मसाला प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो इनको बहुत सारे सप्लायर्स सप्लाई करते रहेंगे। पान मसाला, तेंदू लीव्स, ये सब प्रोडक्ट्स है ना, ये पान मसाला रॉ फॉर्म में बहुत सारे सप्लायर्स सप्लाई करते रहेंगे, तो इसके सप्लायर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेसिपिएंट इकलौता एक आईटीसी कंपनी है। नाउ आप सोचो ना, गवर्नमेंट को कन्वीनियंट क्या रहेगा, इतने सारे सप्लायर के पास से टैक्स कलेक्ट करना या एक ही आईटीसी कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट करना? आईटीसी के पास से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, दैट इज एनी बट आईटीसी। तो पान मसाला प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको सब्सिडी प्रोडक्ट्स या तेंदू लीव्स, इसमें गवर्नमेंट को रेसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। फिर नेक्स्ट है, दैट इज एनी बट सप्लाई ऑफ लॉटरी। ना देखो ना, लॉटरी टिकट जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, किसको लॉटरी टिकट सप्लाई करते हैं? जो उसके एजेंट्स रहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। नाउ ज्यादा करके जो लॉटरी टिकट्स होते हैं वो एजेंट्स के ही होते हैं। नाउ आप सोचो, एज एन गवर्नमेंट लॉटरी टिकट्स एजेंट्स को बेच रहे हैं, तो एजेंट्स को बेच रहे तो बट अब ऐसे एजेंट कौन हो गए? रेसिपिएंट, और गवर्नमेंट क्या होगी? सप्लायर। तो अगर सप्लायर मतलब गवर्नमेंट एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसे डालेंगे, खुद को ही टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं। तो उसमें आरसीएम के बेसिस के ऊपर जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रेसिपिएंट है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो मतलब सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय गवर्नमेंट टू लॉटरी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। एंड लास्ट, दैट इज एनी बट, आपने अगर देखा रहेगा कि अगर रैश ड्राइविंग करते हैं या तो फिर गाड़ी के अगर पेपर्स क्लियर नहीं होते तो वो गाड़ी आपकी सीज कर देते, तो कभी भी किसी भी अपना बीट चौकी पे वहां पे गए रहेंगे तो वहां पे देखना, बीट के यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे ओल्ड कार्स या ओल्ड बाइक वहां पे ऐसे ही धूल खाते हुए रहते। तो ये कार का या ये बाइक का होता क्या है? फाइनली नॉर्मली अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर वो पेपर सप्लाई करके वो बाइक रिलीज नहीं करता या कार रिलीज नहीं करता, तो गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर ओल्ड कार का ऑक्शन करवा देते, मतलब किसी स्क्रैप डीलर को बेच देते। तो मतलब गवर्नमेंट ये सारे व्हीकल्स किसी डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर होगा, स्क्रैप डीलर्स होगा, वेंडर्स होगा, उसको सप्लाई कर रहा है। तो इसमें सप्लायर कौन है? अगेन गवर्नमेंट, और जो सामने वाला बंदा परचेस कर रहा है स्क्रैप वो रेसिपिएंट है। तो अगेन गवर्नमेंट खुद को ही टैक्स पे करेंगे क्या? द आंसर इज नो। तो इसके वजह से उन्होंने बोला है सप्लाई ऑफ यूज व्हीकल, कॉन्फिस्केटेड गुड्स या स्क्रैप, ऐसा कुछ अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें भी आरसीएम के हिसाब से वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो ये जो नीचे के दो तीन आइटम बोले, ये लास्ट में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए फाइनेंस एक्ट में, मतलब सॉरी नॉट फाइनेंस एक्ट, अपना नोटिफिकेशन नंबर अभी रिसेंटली जो नवंबर में हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस हुए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी के एक बार रीड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन गुड्स में ये जो लास्ट वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। प्लीज कॉपी दिस प्रोविजन।